नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और मैं अमन वेलकम करता हूँ आप सभी दोस्तों का यूपी पैरट बर्ड्स लवर चैनल में। तो आज की वीडियो में आप लोगों को कबूतर मार्केट विजिट कराऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि कौन कौन से कबूतर और कौन कौन सी नस्ल के कबूतर आते हैं। तो चलिए गाइस, हम मार्केट के अंदर आ चुके हैं और आप लोग देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर कबूतर को रखा हुआ है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में कबूतर सेलिंग के लिए आते हैं। और गाइस, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बजरी वगैरह भी सेलिंग के लिए नहीं आते। तो गाइस, यहाँ पर बजरी, कॉकटेल, लव बर्ड ये भी यहाँ पर सेलिंग के लिए आते हैं, वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। पहले गाइस, हम आप लोगों को पूरी मार्केट का व्यू दे दें और आप लोग देख सकते हो यहाँ से वहाँ तक कितनी ज़्यादा चहल चहल है और कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तो गाइस, ये आप लोग कबूतर को देख सकते हो, यहाँ पर भाई कबूतर निकाल करके दिखा रहे हैं और यहाँ पर कबूतर जो है सेल होते रहते हैं गाइस। और ये मार्केट जो है हर शुक्रवार को यहाँ पर मार्केट लगती है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में कबूतर यहाँ पर सेलिंग के लिए आते हैं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जाल के अंदर कबूतर रखे हुए हैं, एक केज बना हुआ है काफ़ी अच्छा खासा, उसके अंदर कबूतर रखे हैं। ये आगे मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ, धीरे धीरे मार्केट को मैं आप लोगों को विजिट कराता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भी कबूतर काफ़ी हैं और अभी मैं आप लोगों को कबूतरों की रिंग वगैरह दिखाता हूँ। सो गाइस, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कबूतर के पैर के अंदर जो हम रिंग वगैरह पहनाते हैं, यानी कि हम बताऊँ मैं आप लोगों को, जैसे हम लव बर्ड कॉकटेल के लिए रिंग बनवाते हैं, यहाँ पर रिंग बनी हुई है सेल करते हैं और कबूतर वगैरह के लिए पैर के अंदर रिंग पहनाने के लिए, ठीक है गाइस। ये हमारे बर्ड्स के लिए रिंग नहीं है, यानी कि हम अपनी बजरी वगैरह को रिंग नहीं पहना सकते। तो गाइस, यहाँ पर हमको कुछ बर्ड भी दिखे, हमको बजरी भी दिखे और एक पेयर लव बर्ड का भी था। तो मैंने सोचा कि चलिए सबसे पहले आप लोगों को बर्ड्स दिखाते हैं, यानी कि बजरी वगैरह दिखाते हैं। तो गाइस, ये बजरी आप देख सकते हो यहाँ पर 4-5 पेयर बजरी के हैं सेल के लिए और ऊपर की तरफ एक पेयर लव बर्ड का है, एक पीस रोजी का है और एक पीस लुटिनो का है। तो आप लोगों को बजरी अगर दिखाऊँ अच्छे से तो आप लोग बजीज देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से। भाई ने बजीज को रख करके साइकिल पर लेकर के आए हैं। तो आइए अब आप लोगों को कबूतर की मार्केट आगे दिखाते हैं। सो गाइस, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कबूतर मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लगती है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कबूतर सेल के लिए आते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग कबूतर देख सकते हो, ये एक हमारे भाई हैं मिलने वाले, तो वो भी यहाँ पर कबूतर लेकर के आए थे। तो मैंने सोचा कि चलिए इनके भी कबूतर आपको दिखाते हैं। तो ये यहाँ पर देख सकते हो कुछ कबूतर यहाँ पर हैं, ये केज खोल रहे थे, मैंने मना कर दिया कि भाई रहने दो, बाहर से ही दिख रहे हैं। तो ये भाई, एक भाई सेल, एक भाई लेने के लिए आए हैं कबूतर, तो भाई दूसरे भाई को दिखा रहे हैं। और गाइस, कबूतर आप देख सकते हो, कबूतर का कलर चेक करें। और गाइस, हालांकि मुझे कबूतर के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है कि कौन सा कबूतर कौन सी नस्ल का होता है, जैसे कि अपनी बजीज, कॉकटेल और लव बर्ड में नॉलेज है, उतनी नॉलेज इस बर्ड में नहीं है, ठीक है ना गाइस। तो अब आप लोगों को मैं आगे लेकर के चलता हूँ, आगे की भी मार्केट में आपको विजिट कराता हूँ। ये गाइस, बात यहीं ख़त्म नहीं होती गाइस, काफ़ी लंबी मार्केट है, ये काफ़ी दूर तक मार्केट लगती है। तो अब गाइस, मैं आपको मार्केट का एड्रेस बता दूँ, तो गाइस ये ईदगाह पर मार्केट लगती है, ठीक है ना गाइस। तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं यहाँ पर, तो आप लोग ईदगाह पर आओगे तो आप लोगों को मार्केट दिख जाएगी। और यहाँ पर बजरी वगैरह भी आप लोग आसानी से सेलिंग कर सकते हो, बजरी जो भी आपके पास बर्ड्स है आप आराम से यहाँ पर सेल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने की, ठीक है। अब गाइस बात कर लेते हैं दूसरी, कि यहाँ पर मार्केट कितने बजे से कितने बजे तक लगती है। तो गाइस, दोपहर के 2 बजे से बंदों का आने का नंबर लग जाता है, दोपहर के 2 बजे से मार्केट की शुरुआत हो जाती है। फिर उसके बाद में गाइस, दोपहर के 2 बजे से यहाँ पर 6-7 बजे तक मार्केट काफ़ी अच्छी तरीके से लगी रहती है। अब गाइस, ये केज आप देख सकते हो, इस केज के अंदर कितने ज़्यादा कबूतर भरे हुए हैं और गाइस, ये कबूतर सारे कबूतर सेल के लिए आए हैं, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पर भी कबूतर आप लोगों को देखने के मिलेंगे। तो गाइस, यहाँ पर ज़्यादातर आप लोगों को कबूतर ही देखने के लिए मिलेंगे। और गाइस, एक दो बंदा है जो बजरी वगैरह लेकर के आए हैं, अगर आप लोग यहाँ पर बजरी वगैरह सेल करोगे जैसा। अब गाइस, आप लोगों को फिर से मैं आप लोगों को उन भाई के पास लेकर के चलता हूँ, वो भाई के पास एक कॉकटेल का पीस आया था, तो वो कॉकटेल का पीस भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो गाइस, कबूतर को आप लोग देख सकते हो, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक कॉकटेल का पीस है, थोड़ी बहुत उसकी प्लकिंग हुई है पर गाइस कोई दिक्कत नहीं, इतना तो चलता है। तो गाइस, ये कबूतर का, सॉरी, ये कॉकटेल का पीस आया है और नीचे की तरफ इनके फीजेंस रखे हैं। तो अब गाइस, मैं आप लोगों को एक मार्केट का व्यू जो है दूर से दे दूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो गाइस, ये आप लोग देख सकते हो, मैं मार्केट के बाहर हूँ और मार्केट के बाहर से मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी और आप लोगों को मार्केट के बाहर से वीडियो को दिखा रहा हूँ, ठीक है ना गाइस। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और हमारे यूपी पैरट बर्ड्स लवर चैनल को सब्सक्राइब करें अगर मत जाइएगा। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें। तो गाइस, एक
गुजारिश मैं आप सभी भाइयों से करना चाहूँगा कि आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को कबूतर मार्केट कैसी लगी। नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों का इंतजार रहेगा, नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताना कि आप लोगों को कबूतर मार्केट कैसी लगी और नेक्स्ट टाइम इसकी वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। तो फिर मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो बाय बाय ऑल फ्रेंड्स।